मुल्तानी मिट्टी में ये चीज मिलाकर लगा लो, आपकी मुल्तानी मिट्टी हजारों का प्रोडक्ट बन जाएगी। एक बार लगाने से ही चेहरा गोरा चिट्टा हो जाएगा, लोगों की नजर आपसे नहीं हटेगी। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी सीक्रेट्स हिंदी। कैसे हैं आप सब? होपफुली अच्छे होंगे और पॉजिटिव होंगे। मुल्तानी मिट्टी एक ऐसा मैजिकल इंग्रेडिएंट है जो पुराने समय से हमारे बड़े इस्तेमाल करते आ रहे हैं और अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं। मुल्तानी मिट्टी सब लोगों को इसलिए पसंद होती है, सब लोग इसे कंफर्टेबल होकर इसलिए लगा लेते हैं क्योंकि अगर आपके फेस से जुड़ी, आपके स्किन से जुड़ी, आपके बालों से जुड़ी कोई भी दिक्कत हो, सबको ठीक करने के लिए मुल्तानी मिट्टी अलग अलग तरीके से इस्तेमाल की जाती है। ये एक ही एप्लीकेशन में स्किन पर, बालों पर काफी मैजिकल रिजल्ट देती है। ऐसे ही आज मैं आप लोगों के साथ मुल्तानी मिट्टी का एक ऐसा फेस पैक शेयर करूंगी जिसको लगाने से आपकी स्किन के जितनी प्रॉब्लम है, चाहे स्किन पर दाग धब्बे हैं, मेलाज्मा है, हाइपर पिगमेंटेशन है, चेहरे पर डलनेस है, तो ये सारी चीजें आज के बताए गए मुल्तानी मिट्टी फेस पैक लगाकर मिनटों में आप ठीक कर सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ फ्रूट्स वेजिटेबल्स चाहिए हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है पपीता। थोड़ी सी स्लाइस आप पपीते की ले लीजिए, छोटे छोटे इसके पीस कर लीजिए। पपीता स्किन के लिए काफी अमेजिंग होता है, आप इसको खाइए, लगाइए, जैसे मर्जी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं वैसे करिए, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छे होते हैं। इससे आपकी स्किन बहुत ही ब्यूटीफुल बनती है, हमेशा हाइड्रेटेड रहती है, खिली हुई रहती है, निखार रहता है। विटामिन सी और मिनरल्स कई सारे हेल्दी न्यूट्रिशन पपीते में अवेलेबल होते हैं। पपीता लेने के बाद दूसरी चीज यहाँ पर मैं लूंगी प्लांट बेस्ड एलोवेरा जेल, बहुत ही हाइड्रेटिंग होता है। अगर एक बार स्किन को अगर आपकी सूट कर जाए तो डे बाय डे आपकी स्किन को बहुत ही फ्लॉलेस बना देता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको एलोवेरा जेल सूट नहीं करता है, आप एक दो दिन तक लगाकर इसे देखें, यानी आप इसका पैच टेस्ट करिए, स्किन पर अगर सूट कर जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंटिन्यू करें, अदरवाइज आप यहाँ पर इसे स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको सूट नहीं करता है। एलोवेरा जेल की छोटे छोटे पीस कट करके मैंने ऐड किया। थर्ड मैं यहाँ पर लूंगी आलू। स्किन पर अनगिनत फायदे आलू के होते हैं। आलू में विटामिन B6 होता है, ये एजिंग प्रॉब्लम को स्लो डाउन करता है। आलू के रस से पुराने दाग धब्बों को हल्का किया जा सकता है। स्किन के लिए बहुत अच्छी नेचुरल ब्लीच है, जिस वजह से एक ही बार के एप्लीकेशन में स्किन पर गजब का निखार देता है। आधा आलू कट करके मैंने इसमें ऐड किया। फोर्थ इंग्रेडिएंट यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ टमाटर। टमाटर में मौजूद विटामिन सी स्किन को हील करता है, मुहासे पिंपल के निशान क्लियर करके स्किन में ठंडक देता है। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, स्किन पर रेडनेस आ जाती है, तो टमाटर आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि आपकी स्किन को ठंडक देकर ये स्किन को रिलैक्स करता है और स्किन की रेडनेस इरिटेशन को कम करता है। आधा टमाटर आप ऐड कर लीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पर मैं लूंगी लेमन पील, नींबू के छिलके। काफी लोगों को नींबू सूट नहीं करता, तो आप नींबू के छिलके ले सकते हैं। बहुत अच्छी मात्रा में नींबू के छिलकों में विटामिन सी होता है। नींबू का रस लगाने से स्किन पर एलर्जी हो जाती है, लेकिन नींबू का छिलका बहुत सेफ है, बिल्कुल सेफ है आपकी स्किन के लिए। इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, पिंपल को क्लियर करता है, स्किन को साफ और हेल्दी रखता है और बहुत ही सॉफ्ट बनाने का काम करता है। एक नींबू का छिलका लेमन पील आप इसमें ऐड कर लीजिए। बिना पानी डाले आपको इसका एक फाइन पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बनाकर मैंने स्ट्रेनर की हेल्प से इसको छान लिया, क्योंकि जितना भी एक्सट्रैक्ट एग्जैक्ट होता है वो हमें मिल जाएगा और जो मोटा मोटा पार्टिकल है वो आप अलग कर लेंगे। सभी चीजों का पेस्ट जब कुछ इस तरीके से आप बना लोगे, तो आपको इसी पेस्ट में इसके बाद ऐड करना है 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी, या जितना आप बना रहे हैं उस हिसाब से आप ऐड कर लीजिए। 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी डालकर अच्छे से इसको मिला लीजिए, इसमें स्पून चला लीजिए एंड थोड़ी देर आप जो इसको 5 मिनट साइड रख दीजिए। इससे आपकी जो पैक है वो काफी स्मूथ कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। ये पैक कोई ऐसा नहीं है कि आपको सोचना पड़े लगाने से पहले कि आप हफ्ते में लगाएंगे या 15 दिन में लगाएंगे, आप चाहे तो आप रोज भी लगा सकते हैं, क्योंकि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हमने इसे इस्तेमाल किया है और कोई भी साइड इफेक्ट इसके नहीं है, उल्टा आपकी स्किन की रंगत को ये डे बाय डे निखारेगा। हफ्ते में 2 से 3 बार 4 बार जब भी आपको टाइम मिले अपने फेस को अच्छे से क्लीन करने के बाद पूरे फेस पर मुल्तानी मिट्टी पैक को अच्छे से लगा लो। पैक की खास बात यह है कि आपकी स्किन की रंगत तो साफ होती है, इसके साथ साथ स्किन को ये ठंडक भी देता है। पूरे फेस पर लगा लो, हल्का सा इसे ड्राई होने दो, 20 मिनट आप इसे मैक्सिमम रख सकते हैं चेहरे पर, उसके बाद आप फेस वॉश कर लीजिए। एक ही बार के एप्लीकेशन में, एक ही बार के वॉश में आप खुद देखेंगे आपका चेहरा बहुत ही गोरा चिट्टा हो जाएगा, स्किन की सारी डेड सेल्स रिमूव हो जाती है, स्किन की डलनेस निकल जाती है और स्किन बहुत सॉफ्ट भी हो जाती है। सो गाइज, एक बार मेरे कहने पर इस तरह आप भी मुल्तानी मिट्टी को इस्तेमाल करके देखिए अपने चेहरे पर, अपनी बॉडी पर, उसके बाद आप अपने रिजल्ट हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें, अपना फीडबैक दें एंड डिफरेंट अच्छी ब्यूटी अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।